हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है यानी कि एनसीआर जिसका फॉर्मूला होता है उससे न्यूमेरिकली कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचना कि मैंने परमुटेशन के न्यूमेरिकली क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। कौन सी प्लेलिस्ट? जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? ये वाला जो आई बटन है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, इस पर भाई क्लिक कर दो एक बार, आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने वन शॉट हो, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ माइंड में आप हो, सबके ऊपर, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए? ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली वीडियोज में मैं फंडामेंटल्स के ऊपर, मैं आप लोगों के फैक्टोरियल के ऊपर, परमुटेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग करवा दी मैंने। वो आज बात करने वाला हूँ कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और अगली वीडियो तो कमाल की होने वाली है क्योंकि अगली वाली वीडियो में कॉम्बिनेशन के वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जाऊंगा और उसका पहले करेंगे पार्ट वन, उसके बाद करेंगे पार्ट टू। पहले पार्ट वन देख लेना, लेकिन वो कब देखोगे? जब इस वाली वीडियो को कंप्लीट देख पाओगे। क्योंकि एनसीआर ये जो टर्म है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर आपको समझना है तो मैं एक दो फॉर्मूले बताऊंगा। उन दो तीन फॉर्मूलोज को अगर आपने साथ में रखा कभी दिक्कत में नहीं आओगे। आओ जरा शुरू करते हैं बच्चों हम लोग और देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोगों को कॉम्बिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें भाई सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कुछ फॉर्मूलाज, जो फॉर्मूलाज हम लोगों को यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे पहले कि अगर एनसीआर लिखा होगा तो बराबर होगा एनसी एन माइनस आर के बराबर होगा, ठीक है। अगर एनसी एक्स बराबर एन सी वाई होगा तो इन दोनों का सम जो है वो एन के बराबर होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू में एन होगा। अगर हमारे पास एनसीआर और एनसीआर माइनस वन अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है एनसी वन प्लस आर। जैसे कि 5c3 प्लस में 5c4 कर दिया आपने, तो जो अगर देखो n सेम है और इन दोनों में सिर्फ एक का गैप है, सिर्फ वन का गैप है, तो जो n होता है वो बढ़ा दो एक, तो और जो इन दोनों में सबसे बड़ा लिखा हो वो आंसर है। इस तरीके से जैसे कि एनसीआर और एनसीआर माइनस वन, तो n तो n प्लस वन लिख दिया मैंने, नीचे इन दोनों में बड़ा कौन है? r या r माइनस वन? r बड़ा है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे r आ जाता है, क्लियर है। अगर NCR माइनस वन लिखा है और N माइनस वन यानी कि एक कम है और यहाँ पर भी ये दोनों सेम लिखे हुए, R सेम है, इन दोनों में एक का गैप है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये आंसर आ जाता है। अगर कभी NCR और नीचे देखो, अब ये दोनों सेम है और इन दोनों में एक एक का गैप है, तो ये आंसर आ जाता है। जब R सेम है, N डिफरेंट है, एक का गैप है, तो ये। जब N सेम है और R डिफरेंट है, तो ये। और उसके बाद आ जाता है बच्चों ये आप लोगों का कि इन दोनों में एक एक का डिफरेंस है। यहाँ पर पहले n में डिफरेंस था, फिर r में डिफरेंस है, फिर दोनों में एक एक का डिफरेंस है, देख लो यहाँ पर, तो n बाय r आ जाएगा। ये दो तीन फॉर्मूलाज है बच्चों जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, याद रख लेना इनको। मैं बता देता हूँ शॉर्टकट क्या है याद करने का, इनको अभी के अभी कॉपी पर वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करने के बाद इनको 5 बार लिखो, भले से देख करके लिख लेना 3 बार, लेकिन आखिरी के 2 बार बिना देखे लिख लेना, लेकिन 5 बार लिख लो, हो जाएगा डन। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुमने किया नहीं किया, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्या दे रखा है आप लोगों को? 100 कितना दिया गया है बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर? 100c98। भाई एनसीआर होता क्या है? एनसीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r का फैक्टोरियल। वही चीज़ अगर मैं यहाँ पर लेकर के आऊँ तो हो जाएगा 100 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल यानी r फैक्टोरियल, और 100 माइनस 98 फैक्टोरियल यानी कि 100 फैक्टोरियल अपॉन में 98 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको अगर ओपन करूँगा तो 98 इंटू में कितना आ जाएगा? 98 फैक्टोरियल, इससे ये गया, इससे ये गया, तो यहाँ आ जाएगा 50, 9 × 5 = 45, यहाँ आ जाएगा 4 × 45 = 49 और यहाँ 0। तो यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आ जाएगा 4950। क्लियर हुई कहानी? देख लीजिए कितना आ रहा है आप लोग के पास, 4950। आप इसको चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते थे अगर आपको इतने बड़े नंबर से डर लग रहा था। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये 100 माइनस 98 इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं। वही क्या होता है, एनसीआर इज इक्वल्स टू में एनसीएन माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला अगर आप लगा देते तो भी हो जाता, तो क्या हो जाता 100c2, तब भी कर लेते तो भी आंसर बच्चों यही आता। क्लियर हुई कहानी? आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों। इस सवाल को देखने से पहले एक बार एक प्रॉपर्टी रिवाइज करवाना चाहूँगा। एन सी एक्स प्लस में अगर आपके पास आ रहा है बच्चों एन सी वाई, एन सी एक्स प्लस में अगर बच्चों आप सभी लोगों के पास आ रहा है एन सी वाई, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? एन इज इक्वल्स टू में कितना लिख सकते हैं? एक्स प्लस में वाई। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बोलो समझ में आई या नहीं आई?
अरे बहुत बढ़िया बच्चों, पता है इसके वन शॉट में भी हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल लाइफ, जैसे कभी मैं तुमसे बोलूँ कि दो सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं तो दो सब्जेक्ट तुम कैसे सिलेक्ट करते हो, मैंने ये सब चीज़ें भी एग्जाम्पल लेकर के इसके वन शॉट में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई हैं, कब सिलेक्ट करना होता है, कब अरेंज करना होता है, तो वो ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास क्या है, NC18 इज इक्वल्स टू में NC32, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू में 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 18, कितना आ जाएगा बच्चों, 30। अब यहाँ पर आपके पास 32 CN, एन कितना आ रहा है बच्चों, 30 आ रहा है। लो जी 32 फैक्टोरियल अपॉन में 30 फैक्टोरियल और 32 माइनस में 30, ठीक है, फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 32 इंटू में 31 इंटू में 30 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन में 30 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू में 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, इससे ये चला गया, इससे ये चला जाएगा, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो 31 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों, 16। तो अगर 31 और 16 करेंगे 6, और यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ पर आप दोबारा से 31 लिख देंगे, तो यहाँ पर बच्चों 496 आप लोगों के पास जो है बच्चों इसका जवाब आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 496 ये जवाब आ जाएगा। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर वो कहता है बच्चों दोबारा से, NCR इज इक्वल्स टू में 10 CR + 1, ये चीज़ दे रखी है, तो आपको बताना है 5 CR क्या होगा। तो उसके लिए तो बच्चों R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को पता है जब यहाँ पर, सॉरी ये भी 10 है, ये दोनों चीज़ें सेम दे रखी हैं, तो बच्चों यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, R + 1 4 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 2R + 4 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 2R इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 6, यानी कि बच्चों R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं 5C3, यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - 3 में जो आ जाएगा फैक्टोरियल, यहाँ भी आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 × 4 × 3 का फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, इंटू में कितना है, 3 फैक्टोरियल, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, 2 आ गया, कितना हो जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, 10। बात समझ में आई, क्लियर हो गई बच्चों कहानी, बस इतना सा आप लोगों को यहाँ पर करना है, क्लियर है। आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कितना आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है, ठीक है जी। 60, देखो अब बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ, यहाँ पर ये भी नोट बना करके लिख लो, अगर कोई भी बच्चा इस इन सवालों को कर रहा है नोट बना के लिख लो, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऐसे फार्मूलाज लिखवाने वाला हूँ जिनसे आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। ये आता कहाँ से है, जो भी मैं बताने वाला हूँ वो आता है NCR और NCN-R से। तो अगर आप NCN निकालेंगे या फिर NC0 निकालेंगे, हमेशा आंसर आपके पास 1 आएगा। जैसे कि अगर 5C5 लिख लीजिए या फिर 5C0 लिख लीजिए या फिर 7C0 लिख लीजिए, 7C7 लिख लीजिए, 7C7 लिख लीजिए, हमेशा बच्चों आपको 1 ही मिलेगा। या देखो ऊपर जो लिखा है अगर वही नीचे सेम लिखा है या फिर ऊपर लिखकर नीचे 0 लिखा है, हमेशा आंसर 1 आएगा, कैलकुलेट करने की भी आप लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ अगर NC1 लिखा है या फिर NCN-1 लिखा है, हमेशा आंसर जो है वो n आएगा। जैसे कि 5C1 लिखा है या फिर 5C4 लिखा है, आपके पास आंसर 5 ही आएगा। तो ये फॉर्मूले को बच्चों ध्यान में रखना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ 63C63। देखो NCN जब भी लिखा होता कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, कितना आ जाता है 1। कैलकुलेट करके दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, यहाँ पर आ जाएगा 63, यहाँ आ जाएगा 63 माइनस में 63, तो कितना हो जाएगा 63 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल, इससे ये चला गया, आंसर कितना आ गया बच्चों आपके पास, 1 आ गया। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बच्चों आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो हम लोगों को देखते हुए चलने होंगे, और हम लोग एक एक करके सारे के सारे सवालों को करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है हमसे, NCR इज इक्वल्स टू में NC6। तो भाई n कितना हो जाएगा, 8 + 6, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 14 आ जाएगी। हमको बताना क्या है, NC3 यानी 14C3, यानी कि बच्चों 14 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 14 माइनस में 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 14 इंटू में 13 इंटू में 12 इंटू में 11 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को भी बच्चों मैं ऐसे लिख देता हूँ, इससे तो ये चला जाएगा 3 × 2 = 6, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 26 इंटू में कितना आ जाएगा, 14। तो अगर मैं 26 इंटू में 14 करूँगा, 6 × 24 2 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ गया, ठीक है जी। बात क्लियरली समझ में आ रही है बच्चों, यहाँ आ जाएगा बच्चों 6 और यहाँ आ जाएगा 2, तो 4 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 3 आ गया, तो 364 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 364। क्लियर हो गई बच्चों कहानी, देख लीजिए 364 बच्चों आप लोगों का जो है वो जवाब मिल जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, पंगा फैस रहा बिल्कुल बढ़िया तरीके से, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो बच्चों आगे की तरफ आ जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ, मज़ा आ रही है ना, बस आ जाओ।
अब यहाँ पर बच्चों उन लोगों ने हमसे बोला है कि इस तरीके से आप लोगों को कुछ दे रखा है यार, देखो हम कर लेंगे इसको, हम कर लेंगे इसको। मैं आप लोगों से बस कहना चाहता हूँ क्योंकि ये NCR है, ये मे भी आप लोगों को शायद थोड़ी दिक्कत दे, तो आप लोग क्या करें एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करिए, आपके पास लिखा हुआ है 2NC3 अपॉन में NC3, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं एक एक करके सिर्फ मैं LHS को अभी देख रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं LHS को देख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ कितना हो जाएगा, 2N का फैक्टोरियल अपॉन में 2N-3 का भी फैक्टोरियल हो जाएगा और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे N फैक्टोरियल अपॉन में N-3 का भी फैक्टोरियल हो जाएगा और 3 का भी फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों तो गायब हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, 2N-1 2N-2 और 2N-3, एक तो ये फैक्टोरियल हो गया, अपॉन में कितना चलेगा 2N-3 का फैक्टोरियल अपॉन में कितना चलेगा यहाँ पर N, ये कहाँ जा रहा है N-3 तक, N-1 N-2 और N-3, ये भी क्या हो गया अपॉन में आ जाएगा N-3 का फैक्टोरियल, इससे ये गया इससे ये गया, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, इस वाले N से बच्चों ये वाला N भी गया। देखो यहाँ से दो कॉमन निकल सकता है, एक दो पहले से ही बैठा हुआ है, अगर दो यहाँ से निकाल के लेकर के जाऊँगा बच्चों तो इधर आ जाएगा 4, ये N तोड़ गया, बचेगा कितना 2N-1, इसमें से अगर दो निकाल लिया तो कितना हो जाएगा N-1, यहाँ पर तो और कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है ये नीचे ही आ जाएगा इसके N-1 और कितना हो जाएगा N-2, इससे भी ये चला गया बच्चों। अब ये एक्चुअल में है किसके बराबर, ये है बच्चों 11/1 के बराबर है। अगर आप ये सवाल मेरे साथ अगर सिर्फ देख करके कर रहे हो तो फिर भाई दिक्कत आ जाएगी, तुम लोग बोलोगे हाँ ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, तुम लोग अगर मेरे साथ कर रहे हो सवाल तो बहुत आराम से कर पाओगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, मान लीजिए मैं यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 8N-4 आ जाएगा, ठीक है, और 11 के पास वहाँ भेज देता हूँ तो 11N आ जाएगा माइनस का 22 आ जाएगा, इसको यहाँ भेज देता हूँ और इसको यहाँ भेज देता हूँ तो 22 माइनस में 4 हो जाएगा और 11N माइनस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3N हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा बच्चों। N की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास, 6 आ गई, और इन्होंने जाननी भी क्या चाहिए थी हमसे, N की वैल्यू जो कि कितनी आ रही है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 6 आ रही है, क्लियर हो गई बच्चों कहानी। एक एक करके अगर हम इस तरीके से एक एक चीज करेंगे यहाँ पर तो कभी दिक्कत नहीं आ सकती, कभी भी नहीं। यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, ये भी एक बड़ा बेहतरीन सवाल आप लोगों को दिया गया है, किस तरीके से आप इन सवालों को करेंगे, और यहाँ पर जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर यूज आने को हो गया है। ज़रा देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान नहीं कर पाए तो ध्यान करिए उस फॉर्मूले को दोबारा से। भाई अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है परम्यूटेशन वाली, तो उस परम्यूटेशन वाली वीडियो में ज़रूर न्यूमेरिकल वाली जो हम लोगों ने वीडियो अपलोड की है, प्लेलिस्ट अगेन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, यहीं आई बटन पर क्लिक करो मिल जाएगी आप लोगों को। मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहता हूँ बच्चों कि आप सभी लोगों के पास NPR को ओपन करने का मैंने एक मेथड बताया वहाँ पर, ठीक है जी। वो जो मैंने मेथड बताया वो मेथड लाजवाब मेथड होगा आप सभी लोगों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल मेथड से कर रहा हूँ, लेकिन आप वो मेथड वहाँ जाकर के ज़रूर देखिएगा। N फैक्टोरियल N-R का क्या हो जाएगा बच्चों, फैक्टोरियल इक्वल टू मैं N फैक्टोरियल अपॉन में N-, इससे N-R करूँगा तो R ये भी और ये भी दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, इससे तो यही उड़ जाएगा, इसको यहाँ भेज दो उसको यहाँ भेज दो तो N-R-1 का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बड़ा तो ये है तो N-R, अगर इसको एक स्टेप और ओपन कर दूँ तो N-R-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, इससे तो ये चला गया, तो बच्चों N-R किसके बराबर हो गया आप लोगों के पास, 1 के बराबर हो गया, क्लियर हो गई कहानी। बताओ जी समझ में आ रही है कहानी। अब मेरी और बात सुनो भाई, इस चीज़ को मैं यहाँ तक रख कर लेता हूँ, अब इसको देखते हैं यहाँ पर। अगर बच्चों मैं इसको डिवाइड में ले आऊँ तो NCR, मैंने क्या बताया NCR अपॉन में NCR-1, एक का गैप है R में, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास N-R+1 अपॉन में R। अगर आप लोगों को याद हो फार्मूला तो वो फार्मूला यही होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों को फार्मूला भी दिखा दें, देख लो भाई अगर सिर्फ एक का ही गैप चल रहा है दोनों के अंदर, सिर्फ एक का ही गैप चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने हालांकि वहीं पर लगा भी रखा है, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया ये वाला, ये रहा, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इसे लगा भी रखा, अगर NCR और NCR-1 होता है डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हैं N-R+1, यही सेम चीज़ बच्चों मैंने यहाँ पर लिखी है N-R+1, ठीक है अपॉन में R इक्वल्स टू में बच्चों कितना दे रखा है 1 ही रहेगा ये तो, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
ठीक है, इस r को इधर ले जाऊंगा तो n माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू में r, इसको यहाँ ले आऊंगा तो n माइनस टू आर इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा माइनस का वन, ये हो गए। अब दो इक्वेशन बन गए मेरे पास, तो n माइनस टू आर इज इक्वल्स टू में माइनस वन और n माइनस आर इज इक्वल्स टू में प्लस वन, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये गया तो कितना आ जाएगा माइनस का आर, ये कितना हो जाएगा माइनस का टू। तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ गई, दो, तो यानी कि एन माइनस आर इक्वल्स टू में कितना था वन, तो अगर बच्चों ये दो है तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास तीन, एन और आर की दोनों की बच्चों वैल्यू मिल गई, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद था, जो आपकी ज़िंदगी की तलाश थी वो हमने यहाँ पर पूरी कर दी। बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आइए ज़रा एक और भौचक्का कर देने वाला सवाल हम लोग आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने उसमें बस एनसीआर नहीं लिखा था, मैंने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले में जाकर के करवाया। अगर इसकी और डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो कि आई बटन पर मिल जाएगी आप लोगों को, मैं आप लोगों को दोबारा कह रहा हूँ जाइए उस फैक्टोरियल वाली वीडियो में, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तीन चार क्वेश्चन से दिए वहाँ पर, और डेप्थ लेवल पर आप इसको समझ जाओगे। हालांकि फिलहाल हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपके पास है 2cn, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में n का फैक्टोरियल हो जाएगा और 2n माइनस में n का क्या हो जाएगा बच्चों फैक्टोरियल हो जाएगा। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे बच्चों तो आपके पास कितना आ जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 और ऐसे ही चलते चलते 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू में n का फैक्टोरियल, ये चीज़ हो जाएगी। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी फैक्टोरियल वाली में जब मैंने इस तरीके के दो तीन क्वेश्चन करवाए वहाँ पर, मैंने वहाँ पर समझाया कि ऑड वालों को पहले अलग कर लो, ऑड वालों को अलग कर लो 1 इंटू में 3 इंटू में 5 और आखिर तक आते आते ये क्या हो जाएंगे 2n माइनस 1, ये आपके आखिर तक होते होते हो जाएंगे। अब इवन वालों को अगर आप देखोगे तो इवन वाले कैसे बचेंगे 2 4 6 इंटू में 2n माइनस 2 और 2n, यही बचेंगे आपके पास, और अपॉन में क्या चल रहा होगा आपके पास n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग गो से अगर बोला जाए कि इसमें से दो निकाल लो, इसमें से भी 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 दो निकाल लो, तो पहले तो बताओ ये कितने नंबर लिखे हुए हैं, एन तक लिखे हुए हैं, दो चार छः कितना 2n तक लिखा हुआ है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हो गए एन हो गए। ये क्या बचेगा अगर दो निकाल लोगे, एक बचा, फिर दो बचेगा, ये तीन बचेगा, ऐसे ही ये कितना बचेगा n माइनस में कितना बचेगा n, तो टोटल नंबर कितना हो गया एक से लेकर कितना हो गया n हो गए। कितने दो निकले हैं यहाँ पर n, n दो निकले हैं भाई, इन तीनों में से कितने दो निकले, तीन निकले, तो n में से कितने निकलेंगे, n निकलेंगे। इसका मतलब बच्चों आप लोग 1 इंटू 3 इंटू 5 ऑड वालों को तो आप लोगों ने यूं ही रख लिया, ठीक है, ऑड वालों को तो आपने यूं ही रख लिया, दो की पावर n यहाँ आ जाएगा, बचेगा कितना 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में, इस तरीके चलते चलिए ये कहानी, तो n हो जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। यानी कि बच्चों आप लोग लिख सकते हैं 1 इंटू में 3 5 2n माइनस 1 2 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं आप n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल इससे ये चला गया, एक और n फैक्टोरियल बच गया, यानी कि फाइनल वाला जो है बच्चों आप लोगों के पास जवाब वो ये बच गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1, इस तरीके से चलेगा 2 की पावर n बाहर लिख देता हूँ और यहाँ पर बच्चों n फैक्टोरियल, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। यही चीज़ उन लोगों ने हमें प्रूव करने के लिए दी थी, लेकिन मैं अगेन कहूँगा अगर ऐसे दो तीन क्वेश्चन और करने हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी लेनी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं वहाँ पर मैंने 2n प्लस 1 वाला भी एक क्वेश्चन करवाया है, वो है फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। ये सवाल बेहद ही ज़रूरी बच्चों, बेहद ही ज़रूरी सवाल, और मैं तो हर बच्चे से कहता हूँ कि इस वाले सवाल को एक बार ज़रूर करके जाओ क्वेश्चन को। एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस 1 जब होता है तो एक n में जुड़ जाता है और बड़ा वाला r हम लिख लेते हैं। देखो अगर बच्चों दोनों के n बराबर हैं और r में सिर्फ एक का डिफरेंस है तो n की एक वैल्यू बढ़ा दो और r दोनों आरों को कंपेयर करो, जो बड़ा वाला होगा वो लिख दो। यहाँ पर अगर आप लोग फोकस करोगे ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पर नोटिस करोगे इन दोनों का n सेम है, इन दोनों में सिर्फ एक का डिफरेंस है, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से n में एक बढ़ा दो और r की वैल्यू बड़ी कर दो, और इसके साथ बच्चों फिर इसके बाद आप लोग ये देखो 49C3 ये इन दोनों से क्या आ गया, ये चीज़ आ गई, ठीक है, प्लस में 50C3 प्लस में 51C3, इन दोनों को देखो ज़रा ये दोनों क्या बना देंगे, एक बढ़ा दो इसमें 50 और इसमें दोनों बड़ा कौन सा है 4,
फिर देखो 50C3 प्लस में 51C3, इन दोनों को देखो, अब एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा 4, 51C3, इन दोनों को देखो अब एक बढ़ा दो 52C4, यानी कि बच्चों इन सब का सम करके कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 52C4। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई बच्चों? इज इट ओके, क्लियर है? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा लाजवाब सवाल है बच्चों, इसे देखने के बाद बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं कि कुछ नहीं है बेटा, एन सी आर माइनस वन और एन सी आर एन सेम है तो आर माइनस वन प्लस में थ्री किसके बराबर हो जाएगा? एन के बराबर हो जाएगा, अब बोल हो जाएगा भाई, थ्री आर है बच्चों ये, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 4R माइनस वन इक्वल्स टू में n हो जाएगा, तो 4R इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा n प्लस वन, तो R कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 n प्लस वन हो जाएगा। R की वैल्यू निकालने को कह रहे थे, बस निकाल दी भाई R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है जी। और इसी के साथ बच्चों हमारे जो न्यूमेरिकली क्वेश्चन होते हैं एनसीआर के, वो हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों एंड कर दिए। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकली कोई क्वेश्चन पूछा गया, इन्हीं में से पूछा जाएगा, बाकी क्वेश्चन की आप टेंशन ना लें। एंड आई होप आप लोगों को हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं मिलता हूँ बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड माइंड मैप कहाँ मिलेंगे? चेक डिस्क्रिप्शन, अभी के अभी बच्चों डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, आप लोगों वहां पर सभी के लिंक मिल जाएंगे, सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।